अपने 10 दिनों के लद्दाख रोड ट्रिप को पूरा करने के बाद हमने अपना जंस्कार का सफर लेह शहर से शुरू किया। मैग्नेटिक हिल लेह शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और इस रूट पर ये एक बड़ा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लेह से लामायुरु की दूरी लगभग 115 किलोमीटर है, जहां पर आप लेह से करीब 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। हमने अपना नाइट स्टे लामायुरु गेस्ट हाउस में किया था। यहां का स्टे बहुत कंफर्टेबल था और हमारे इस ट्रिप में यादगार रहेगा। इस सफर पर निकले हुए में 10 दिन हो चुके हैं और अभी हमारे इस ट्रिप के 4 दिन और बाकी हैं, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सबसे रोमांचक होंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए। मूनलैंड, दरअसल पूर्णिमा की रात को यहाँ की ज़मीन चांद की तरह चमकने लगती है, इसलिए इस जगह को मूनस्केप कहा जाता है। यहाँ से हमारा जांस्कार का सफ़र शुरू हो रहा है और आज रात का हमारा डेस्टिनेशन पदुम शहर है, जो यहाँ का मेन सिटी है। इस रूट पर पहला गांव पड़ेगा वानला। यहां आपको होमस्टे की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। इस रूट पर अगला गांव है फांगला। इस रूट पर हमको 4 हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पासेस को क्रॉस करना है। हम लोग पहुंच चुके हैं सिरसिरला पास। इस पास का एल्टीट्यूड 15,700 फीट है। इस रूट पर हमारा अगला स्टॉप फोटोस्कर विलेज है। ये विलेज काफी खूबसूरत है और यहाँ पर नाइट स्टे की फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ते खराब होते जा रहे हैं, पर चूंकि हमारे पास 4x4 व्हीकल है तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं सिंगेला पास और इस पास का एल्टीट्यूड है 16,590 फीट। इतने ऊंचे एल्टीट्यूड पे थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। इन अद्भुत नजारों में 4 चांद लगा दिए हैं इस खूबसूरत स्नोफॉल ने। अपने अगले स्टॉप लिंगशेड पहुंचने वाले हैं। हम लिंगशेड विलेज नहीं जाएंगे, मगर वहां से एक पास को क्रॉस करेंगे। वो जो दूर आप गांव देख रहे हैं वो लिंगशेड है। यहां पे इस कैफे में रुककर हमने चाय का और मैगी का मजा लिया। आगे के रास्ते और भी रोमांचक होते जा रहे हैं और ड्राइव और भी डिफिकल्ट होती जा रही है। कभी कभी यहाँ के नज़ारे इतने आश्चर्यचकित करते हैं, मानो हम पृथ्वी पर नहीं किसी और ग्रह पर आ गए हैं।
होगा देखना क्या लिखा है। ले लिंग शेड आया मजा। रोक नहीं सकते थे ना, रोक नहीं सकते थे, सही बात है। दोस्तों इस जगह से रोड की डिफ़िकल्टी का लेवल अचानक से बढ़ गया है और यहाँ से ज़ंस्कार रिवर अब हमारे साथ साथ चलेगी। इसका ये हाल हुआ है तो अचानक से नैरो हो गए हैं। अब अगर इस परिस्थिति में सामने से कोई व्हीकल आ जाए तो हम किधर जाएंगे? पदुम से लगभग 30 किलोमीटर पहले हमें यह पक्की सड़क मिल गई और अब इसके आगे का सफर पदुम तक बिल्कुल आसान है। यहाँ पर ये लेफ्ट टर्न फुटगल मॉनेस्ट्री को जा रहा है और हमें सीधा जाना है गोम्बो रंजन की ओर। जो पर्वत आप सामने देख रहे हैं वही है गोम्बोक रंजन और हम अब उसी के पास जा रहे हैं। ये एक पवित्र पर्वत है और तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग इसे भगवान का पर्वत मानते हैं। चौदह दिन का हमारा ये एडवेंचरस रोड ट्रिप जिसमें हमने पूरा लद्दाख और ज़ंस्कार वैली को कवर किया है, आज उस रोड ट्रिप का एंड हो रहा है। शिंकुला टॉप हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है और इसके बाद अब हम अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।